हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं आई हूँ एक बर्थडे पार्टी में, मैं मेकओवर करने के लिए, मैं और मेरी बहन। तो मेकओवर के लिए मैं दिखाऊंगी मैं किसको मेकओवर करने वाली हूँ। एक छोटा सा बच्ची है जो बर्थडे गर्ल है, उसका मेकओवर किया है और उसका मम्मी को। तो वीडियो में, ब्लॉग में सब कुछ मैं दिखा दूंगी। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना गाइस। सो गाइस, इतने दिन तक मेरा गला बहुत ख़राब था, इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो इतने दिन के लिए सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। सो प्लीज़ मेरे ऊपर प्यार बना ही रखिएगा, मेरे ब्लॉग के ऊपर ज़रूर बहुत सारा प्यार बरसाइएगा, लाइक एंड शेयर का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज की बर्थडे गर्ल। इसका ही मेकओवर करने के लिए मेरी बहन आई है और मैं भी आई हूँ। तो मेरी बहन ही मेकओवर करने वाली है और इसका मम्मी का भी मेकओवर करना है, वो मैं करूँगी। तो आप देख सकते हो छोटी सी बच्ची का भी मेकओवर हो रही है। तो फाइनली मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। छोटी सी क्यूट सी बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइएगा गाइस। और आंटी का भी मेकओवर कंप्लीट हो चुका है। आंटी का मेकओवर मैंने किया है और आंटी ना बहुत ही सिंपल लुक चाहती थी। आंटी इससे पहले कभी भी मेकओवर नहीं किया था, तो आंटी बहुत खुश थी मेकओवर करके। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये सिंपल सा मेकओवर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। सो गाइस, अभी हम लोग जिसके घर में आए हैं, मेरी बहन की फ्रेंड की बर्थडे है। सो छोटे से एक बच्ची है, उसका बर्थडे में हम लोग आए हैं। तो हम लोग क्या पहन के आए हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं जल्दी से, फटाफट से। तो दिखा देते हैं हम लोग क्या पहन के आए हैं। सो गाइस, सिंपल सा मेकअप करके आए हैं क्योंकि हम लोगों को मेकओवर करना था, इसलिए हम लोग सिंपल से मेकओवर करके आए हैं। तो कैसा लग रहा है हम दोनों को, बहनों को? सो प्लीज़ मुझे इनविटेशन भी यहाँ पर था तो हम लोग जल्दी जल्दी से घर से निकले थे। सो हम दोनों बहन को कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो या गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो मैं एकदम सिंपल सी रेडी होके गई थी। मैंने एक रेडिश पिंक कलर की गाउन पहनी हुई थी और एकदम सिंपल सी फेस पे टचअप करके गई थी, दैट्स इट। सो या गाइस, सो गाइस अभी देख सकते हो मेरी बहन थोड़ी सी टचअप कर रही है। सो उसका मेकअप थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, थोड़ी सी टचअप कर रही है, दैट्स इट। और मैं भी टचअप कर लिया है। यहाँ पे कंप्यूटर में सॉन्ग चल रहा है, बाहर तो पार्टी चल रहा है, आपको खिड़की से थोड़ा सा दिखा देते हैं। सो बहुत सारा गेस्ट आ चुका है, आप देख सकते हो। हम लोग नीचे जाके पूरा डेकोरेशन आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया है। सो गाइस, हम लोगों का टचअप कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं। नीचे ऑलमोस्ट पार्टी शुरू हो चुकी है, गेस्ट भी आ चुके हैं शायद। तो हम लोगों का ना मेकअप का सामान सब बिखरा हुआ फैला हुआ था, तो सब कुछ हम लोगों ने पैक किया। अभी हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाके आप लोगों को डेकोरेशन दिखाते हैं। तो हम लोग नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हो गेस्ट भी आ चुके हैं बहुत सारे। और अभी जो छोटी सी बच्ची है उसका भी फ़ोटोशूट चल रहा है, आप देख सकते हो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो अभी आप लोगों को थोड़ा डेकोरेशन दिखाते हैं। आप देख सकते हो डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी किया था और बहुत ही अच्छी सब कुछ चीज़ का अरेंजमेंट किया था। तो यहाँ पे ना गाइस डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। तो अभी तो 8:30 बज रहे हैं, अभी कौन डिनर करेगा। चलिए गाइस चलते हैं आइसक्रीम के स्टॉल में। तो हम लोगों का फेवरेट आइसक्रीम यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मैंगो ही दे रहा था गाइस। ये मैंगो आइसक्रीम मेरी बहन खा रही है, आप देख सकते हो। अभी मैंने भी एक कोन ले लिया है। तो मैंगो आइसक्रीम खाने के बाद फिर खाएंगे पानी पूरी। पानी पूरी का भी 2 स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हो। पानी पूरी कौन मिस करता है, हम लोग तो मिस नहीं करते गाइस। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन किया गया है। तो अभी हम लोग आइसक्रीम की मज़ा ले रहे हैं। तो अभी क्या करना है, थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले रहे थे, तो यही मजाक मस्ती कर रहे थे दोनों बहन। तो अभी खाने वाले हैं पानी पूरी। तो पानी पूरी भी खाना हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले रहे थे, चिल कर रहे थे। और क्या करना है गाइस, तो आप देख सकते हो ये बाहर का डेकोरेशन है, बाहर का डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग पूरा यू नो डेकोरेशन देख रहे थे, घूम फिर रहे थे, ये सब कर रहे थे। उसके बाद जो छोटी सी बच्ची थी जिसका बर्थडे गर्ल, जो बर्थडे गर्ल है उसका भी केक कटिंग होने वाला है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ तो
बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ था गाइस, बहुत ही मतलब मुश्किल से ये वीडियो क्लिप ले रही थी मैं, तो मैंने मतलब हाथ ऊपर करके मैं वीडियो क्लिप ले रही थी, बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो उसके बाद केक कटिंग हो गई थी, उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉफ़ी खाने के लिए, और यहाँ पे चिकन पकौड़ा भी मिल रहा था, ये सब हम लोग मज़े लिया। और उसके बाद ये जो है यही है मेरी बहन का फ्रेंड, जिसका बहन का आज बर्थडे है, तो ये रहा उसका भाई, तो ये मेरा बहन का फ्रेंड है, तो उसके साथ हम लोग बोल रहे थे कि चले आ, हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं थोड़ी सी, और फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं और वीडियो क्लिप भी ले रहे थे। तो बहुत ही बिजी था गाइस ये, उसको टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बाय बोल दिया कि जा तू अपने काम में जा। तो हम लोग थोड़ी सी सॉन्ग चल रही थी, उसके साथ साथ हम लोग ऐसे थोड़ी सी मजाक मस्ती कर रहे थे, वीडियो क्लिप ले रहे थे। उसके बाद मेरी बहन का एक फ्रेंड भी यहाँ पे इनवाइटेड थी, वो भी आ गए, तो आप देख सकते हो वो रहा येलो ड्रेस में मेरी बहन की फ्रेंड और उसका भी बहन। तो हम लोग ये लिटिल हार्ट शेप करके हम लोग सेल्फी भी ले रहे थे, वीडियो क्लिप भी ले रहे थे। उसका बहन भी बहुत ही क्यूट था, और जो मेरी बहन का फ्रेंड है वो भी बहुत क्यूट था। सो इसके बाद हम लोग ना गाइस डिनर करने के लिए चले गए थे, बट डिनर का वीडियो क्लिप मैं नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे ना बुफे सिस्टम था और मेरे हाथ में प्लेट था, मेरे बहन के हाथ में भी खाना का प्लेट था, तो इसीलिए वहाँ पे वीडियो क्लिप नहीं ले पाए। तो हम लोग डिनर करके उसके बाद फिर से चले आए थे आइसक्रीम के स्टॉल में आइसक्रीम खाने के लिए। तो अभी मैं आइसक्रीम सब लोग को दे रही थी बारी बारी से, और उसका मेरी जो बहन का जो फ्रेंड था, उसका जो बहन था, तो वो अभी बोल रहे थे कि उसको बटर स्कॉच नहीं खाना है। तो मैंने बोल रही थी कि नहीं, टेस्ट करके तो देख एक बार, अच्छा लगेगा। तो मुझे खाना था गाइस डबल स्कूप आइसक्रीम, तो मैंने, आप देख सकते हो मैंने डबल स्कूप लिया है अपने लिए। तो अभी तो आइसक्रीम की मज़ा ले रहे थे, बट यहाँ पे वीडियो क्लिप ले रहे थे गाइस, एक आंटी आके मुझे जोर से धक्का देके चले गए, आपने शायद देखा होगा। तो अभी तो हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो फ्रेंड प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम दूसरे कोई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।